बिहार के नालंदा जिले से एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्राथमिक विद्यालय सोन सिकरा की जर्जर सीढ़ी ध्वस्त होकर स्कूली बच्चों के ऊपर गिर गई। घटना जिले के रोई थाना इलाके के सोन सिकरा गांव की है। दरअसल प्राथमिक विद्यालय सोन सिकरा स्कूल में बच्चे पढ़ने को लेकर सीढ़ियों के सहारे ऊपर जा रहे थे, इसी दौरान जर्जर सीढ़ी भर भरा कर नीचे गिर पड़ी। सीढ़ी के गिरने से मलबे के अंदर दबकर 7 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि एक बहुत ही बड़ा हादसा टल गया है, वहीं 3 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी मिली कि ससंदी पंचायत के सोनसिकरा गांव में प्राथमिक विद्यालय सोनसिकरा में बच्चे पढ़ रहे थे, अचानक सीढ़ी गिर जाने से भवन जो है जर्जर हालत में है, उसमें बच्चा पढ़ने लायक नहीं है। शिक्षा विभाग को उसको पहले संज्ञान लेना चाहिए था लेकिन नहीं लिए, लेकिन आज सीढ़ी गिर जाने से 5-7 बच्चा जख्मी हो गए हैं, जिसमें 3 बच्चा रहुई हॉस्पिटल में आए हैं जो दिखाने से अभी ठीक हैं। अच्छा, ग्रामीण आक्रोशित भी थे क्या? ग्रामीण पूरा आक्रोशित थे और शिक्षक जो थे अपना नो दुआरा भागने में कामयाब रहे, स्कूल में बच्चा को देखने का काम नहीं। इस सोनसिकरा ग्राम में है, वार्ड नंबर 7 ससंदी पंचायत में पड़ता है, उसमें स्कूल की स्थिति बहुत बहुत बदतर है। आज भी गया और पहले भी गया था, यानी कि शिक्षा अधिकारीगण का कोई भी तरह का यानी देख रेख वहाँ नहीं किया जाता है। वहाँ बकरी रहने लायक भी नहीं है, कैसे वहाँ यानी कि स्टूडेंट पढ़ रहा है, तो वो तो ग्रामीण लोग भी बहुत आक्रोशित है। आज यानी कि वहाँ का सीढ़ी गिर जाने से 7 लोग जख्मी थे, जिसमें 3 लोग थोड़ा सा ज़्यादा नाजुक हैं। तो जर्जर भवन है क्या? बहुत ज़्यादा जर्जर है, आप जाइएगा तो वहाँ रहने लायक नहीं है, खड़ा होकर पानी पीने लायक नहीं है। बच्चा कैसे पढ़ रहा है हमको नहीं पता। सीढ़ी गिरा कैसे? बच्चा ऊपर जा रहा था क्या? नहीं, सीढ़ी बरसात की वजह से जा रहा है, एक एक छड़ छोड़ा हुआ है छत का। घटना की जानकारी मिलते ही प्रखंड विकास पदाधिकारी लक्ष्मण कुमार, सीओ रंजीत कुमार, स्थानीय गांव के मुखिया सिंकू कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी दी। वहीं इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। लोगों का आरोप है कि स्कूल सोनसिकरा की हालत काफी जर्जर है, कोई भी सरकारी अधिकारी इस जर्जर स्कूल की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। घटना के बाद ग्रामीणों के गुस्से को देख शिक्षक इधर उधर अपनी जान बचाने को लेकर छिप गए।